Hi everyone, welcome back to my channel Saint's Nest. मैं Ruby Saint. Good morning to everyone. आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं. मैं भी अच्छी हूँ. मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पूठी माछे चचड़ी. पूठी माछ को रोज़ी बार भी कहते हैं और इसमें सारी वेजिटेबल्स को डाल के फिश के साथ प्रिपेयर किया जाता है. बहुत ही टेस्टी बनता है. फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए. और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड. आज लंच में क्या क्या बना है चलिए दिखा देती हूँ आप सबको. आज बना है करेला फ्राई विथ पम्पकिन और ये ब्रोकली एंड पोटैटो फ्राई बना है और उड़द दाल बना है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, जिसे कलाई दाल कहते हैं बंगाली में. और उसके साथ कॉम्बिनेशन प्याज पोस्तो. अगर सारा रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करती तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैं सिर्फ फिश वाला रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी. यहाँ 250 ग्राम पूठी माछ है, जिसे रोज़ी बार भी कहते हैं. इसे मैरिनेट करेंगे फॉर 15 मिनट्स. सो ऐड सम टर्मरिक पाउडर, ऐड सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. एक चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करें. आफ्टर 15 मिनट्स कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड करें. आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें फ़िश को ऐड करें और फ़िश को अच्छे से फ्राई करें फ्रॉम बोथ साइड्स. थोड़े थोड़े फ़िश को फ्राई करके अलग निकाल के रख ले. एक साथ सारे फ़िश को ऑयल में न डालें, फिर वो एक साथ चिपक जाएगा. मैंने सारे वेजिटेबल्स को पहले ही कट करके रख लिया है. वेजीज में मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ब्रिंजल्स, पोटैटोज, स्प्रिंग अनियंस, टोमेटो एंड अनियंस. उसी ऑयल में पहले मैं ब्रिंजल्स को फ्राई करके निकाल लूँगी. ब्रिंजल मेरा फ्राई हो चुका है, अब उसे अलग से निकाल के रख ले. उसी ऑयल में ऐड करें एक चम्मच काला जीरा, एक चम्मच पाँचफोरन और एक ड्राई रेड चिली. और जैसे ही फ्राई हो जाए उसमें ऐड करें चॉप्ड अनियंस और सबको अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और उसे फ्राई करें तब तक जब तक अनियंस का कलर चेंज ना हो जाए. जैसे ही अनियंस थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए उसमें ऐड करें स्लाइस्ड पोटैटोस और उसे भी अच्छे से मिक्स करें और फ्राई करें. देन ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड सम टर्मरिक पाउडर. सबको अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और इसे कवर करके 5 मिनट्स तक कुक करें. आफ्टर 5 मिनट्स पोटैटोज अच्छे से फ्राई हो चुका है. इसमें ऐड करें एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और उसे फ्राई करें और उसमें ऐड करें 1 चॉप्ड टोमेटोस और उसे भी अच्छे से मिक्स करें. मिक्स इट वेल और उसे अच्छे से कुक करें तब तक जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए. उसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें. आफ्टर 5 मिनट्स इसमें ऐड करें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट ऐड करें और सबको अच्छे से मिक्स करें और इसे फ्राई करें तब तक जब तक जिंजर और गार्लिक का रॉनेस न चला जाए और इसे कवर करके अनदर 5 मिनट्स के लिए कुक करें. मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें ऐड करें स्प्रिंग अनियंस और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें. मिक्स करते करते स्प्रिंग अनियंस टेंडर हो जाएगा. इसे और 5 मिनट्स तक कुक करें. आफ्टर 5 मिनट्स लिड को ओपन करके देखिए, अच्छी तरह से मसाला
भुन चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर इन इट। वाटर ऐड करने के बाद इसमें फ्राइड फिश को भी ऐड कर दें, फ्राइड ब्रिंजल्स को भी इसमें ऐड करें, चॉप्ड ग्रीन चिलीज को भी ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल पर धीरे धीरे मिक्स करें ताकि मछली टूट न जाए। कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करें फॉर फ्लेवर और इसे कवर करके कुक करें फॉर अनदर 5 to 10 minutes। आफ्टर 10 minutes पुटी माचे चौचुरी इज रेडी टू सर्व। ये पूरी तरह से तैयार हो गया सर्व करने के लिए। इसे सर्व करें स्टीम राइस के साथ। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय चैनल और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।